राम मंदिर विवाद के 500 सालों के इतिहास को समझने के लिए इस मामले के कानूनी पहलू की बारीकियों को समझना जरूरी है। साल 1885 में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था और अंत में 2019 में कोर्ट के जरिए इस विवाद का हल भी निकला। इन 134 सालों में इस विवाद से जुड़ी न जाने कितनी याचिकाएं पहले ब्रिटिश राज और फिर आजाद भारत की अदालतों में चक्कर काटती हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और राम जन्मभूमि के इतिहास के इस खास एपिसोड में, पांचवें वीडियो में, आज मैं आपको इससे जुड़ी वो घटनाओं को बताऊंगा जिसके बारे में आपने अखबारों में या टीवी में नहीं सुना। श्री रामलला मंदिर की कानूनी यात्रा आखिर किन किन पड़ावों से होकर गुजरी और आखिरकार भगवान को जमीन का मालिकाना हक कैसे मिला, वो इंटरनल बातें आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आपको 134 साल में ये सफर उतना आसान नहीं रहा। इस 134 साल में तीन तरह के केस दायर हुए। राम मंदिर विवाद 1885 से 2019 तक, यानी 134 सालों का एक सफर है, या 134 सालों तक अदालतों में घूमता रहा और तीन तरह के केस कोर्ट में चले। पहला, मुख्य रूप से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है पूजा या इबादत का अधिकार। 1885 में महंत रघुवर दास की पहली याचिका पूजा की अनुमति के लिए थी और इस मांग पर और भी कई याचिकाएं दायर हुई, यानी कि उस पर पूजा या इबादत करने का अधिकार किसका। दूसरा मुख्य जो केस हुआ वो ये है कि राम जन्मस्थान का मालिकाना हक किसका। इसके मामले में साल पहले केस के बाद साल 1959 में ऐसी पहली याचिका निर्मोही अखाड़े में दायर की थी। विवाद का हल भी इसी पहलू के निपटारे से निकला। जो हल निकला, मेन पहलू यही था। और तीसरा केस जो मुख्य रूप से था वो था बाबरी ढांचा गिराने का केस। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया और इस मामले की सुनवाई भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। ये तीन केस 134 सालों तक अदालतों का चक्कर काटते। अब बात करते हैं एक एक करके एक केस की इसका क्या रहा, सफर क्या रहा। सबसे पहले बात करें पूजा के अधिकार की मांग से, जिससे ये अदालती सफर शुरू हुआ। राम मंदिर विवाद में पूजा की मांग कई याचिकाओं में लगी। पूजा की मांग के लिए कई याचिकाएं लगी विभिन्न तरह की, और इनमें चार याचिकाएं सबसे महत्वपूर्ण थी, चार याचिकाएं सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहली याचिका 1885 में, जब महंत रघुवर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर पूजा के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका खारिज हो गई, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सैद्धांतिक तौर पर माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी याचिका साल 1950 की है, जब 1949 में बाबरी ढांचे में मूर्तियां प्रकट होने के बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा की अनुमति पर याचिका दायर की। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें इस मामले का भी निपटारा हुआ। पूजा की मांग की याचिका एक महत्वपूर्ण याचिका थी और इसी याचिका पर ही गर्भगृह का ताला भी खुला था। आपको बता दूं, तीसरी याचिका जो थी 1986 की काफी महत्वपूर्ण थी। 1949 में गर्भगृह पर ताला लगवाया गया था और 1986 में वकील यूसी पांडे ने पूजा के लिए कोर्ट में गर्भगृह का ताला खोलने की मांग की थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत ने इसी याचिका पर गर्भगृह का ताला खोलने के आदेश दिए थे। और चौथी याचिका जो महत्वपूर्ण याचिका थी वो जाके 1993 में दायर की गई, वो थी केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में जमीन का अधिग्रहण कर रही थी। मतलब वो कहा गया था कि 1993 में केंद्र सरकार अयोध्या में जमीन का अधिग्रहण कर रही थी और डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और तर्क ये था कि मस्जिद के अधिग्रहण से नमाज नहीं पढ़ी जाएंगे। मतलब मस्जिद के अधिग्रहण से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और कोर्ट ने याचिका की खारिज कर दी और कहा कि नमाज पढ़ने के लिए
मस्जिद अनिवार्य नहीं। ये चार याचिकाएं थी जो पूजा की अधिकार की मांग को लेकर शुरू हुआ था। ये अदालती सफर की चार मुख्य याचिकाएं थी जो 1885 से लेकर विभिन्न प्रकार से 1993 तक रही। दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो दूसरी बड़ी केस दायर हुई थी वो था अलग अलग मित्र, वो था राम जन्म स्थान का मालिकाना हक। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीनी विवाद में, जब इसे जमीनी विवाद माना और इससे जुड़ी तीन याचिकाओं को ही वैध माना, जब इससे जुड़ी कई सारी याचिकाएं आई तो इस जमीनी विवाद मानते हुए इसके लिए तीन याचिकाओं को वैध माना। तीन याचिकाओं को उन्होंने लिया। पहला निर्मोही अखाड़ा का 1959 की याचिका, जिसमें निर्मोही अखाड़े ने 1959 में पहली बार राम जन्मस्थान पर राम के जन्मस्थान पर मालिकाना हक जताया था और फैजाबाद कोर्ट में जमीन के प्रबंधन का अधिकार माना। उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1961 की याचिका, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में मालिकाना हक का दावा किया, उन्होंने भी दावा किया और बोर्ड ने याचिका में विवादित परिसर से मूर्तियां हटाने की मांग की थी। उसके बाद 1989 में रामलला विराजमान का जो हक किया गया था वो याचिका 1989 में पूर्व हाईकोर्ट जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र याचिका दायर की और रामलला को न्यायिक व्यक्ति बताया और जमीन पर उनका दावा पेश किया। वैसे भगवान को धरती मिली, भगवान ने धरती दिया और उन भगवान को कहते हैं जमीन पर मालिकाना हक, कैसे कैसे भगवान को मिली इस धरती पर जमीन का मालिकाना हक, यानी किस आधार पर मंदिर बना कि उस जमीन के अधिकार एज ए पर्सन या एज ए आदमी उस पर मालिकाना, उस जमीन का मालिक भगवान राम है यानी राम है, इस पर हक कैसे मिला, कैसे कार्रवाई। आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट का रामलला विराजमान को जमीनी विवाद में पार्टी मानना इस विवाद का महत्वपूर्ण मोड़ था कि राम को एक पार्टी माना जाए, दो खंड की याचिका दायर करने वाले विरोधी पार्टी माना जाए कि उसका मालिकाना हक, एक सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। हिंदू परंपरा में भगवान को जीवित व्यक्ति माना गया है और भगवान संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 1988 में ब्रिटिश कानून के तहत भी हिंदू देवी देवताओं को न्यायिक व्यक्ति माना गया था और इस आधार पर ये केस दर्ज हुआ, ये चीज माना गया। इससे पहले मनोहर गणेश तांबेकर बनाम लखीराम गोविंदरम समेत दर्जनों मामलों में कोर्ट देवी देवताओं को न्यायिक व्यक्ति मान चुका था और उसी आधार पर इसके भी मानना पड़ा। रामला की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसी आधार पर वो न्यायिक व्यक्ति माने गए। अंततः उसे उस व्यक्ति को जमीन दिलाने का हक माना कि अंततः कोर्ट ने उन्हें माना कि उन्हें उसका जमीन मिलने का हक है, उन्हें ही जमीन का मालिक माना जाएगा जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और विधि पूर्वक पूजा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बेंच का फैसला पलट दिया। उसके बाद आप बताता हूं क्या, समझिए कैसे तय हुआ कि किसका है ये राम जन्मस्थान। जब सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को जो था उसी अपने ही फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पलट दिया, 13 साल लगे सुनवाई लगभग शुरू होने में। आपको बता दूं 1989 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची तब याचिकाओं पर सुनवाई 2002 में शुरू हुई। 1989-2002 13 साल, 2003 में एसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। 13 साल बाद हाईकोर्ट में जमीन के तीन हिस्से, हाईकोर्ट ने 2010 में विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटा था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रद्द कर केस खुद ले लिया। यहां भी पलटा, यहां भी बात अलग आई। 2018 में सीजीआई ने जब 5 जजों की बेंच बनाई थी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच की मांग की गई तो जो खारिज हो गई, जब 2018 सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच की मांग की वो खारिज हो गई और 2019 में सीजीआई रंजन गोगोई ने फैसला पलट कर 5 जजों की बेंच बनाई। आपको बता दूं इस दौरान कोई भी मध्यस्था काम नहीं आए, रोज सुनवाई हुई। जब मध्यस्था कोई काम नहीं हुए तो रोज सुनवाई हुई, तब जाकर कुछ परिणाम देखने को मिले। दरअसल केस से अलग जस्टिस यूयू ललित एक बात को दोहराता है। 9 जनवरी 2019 को बनी 5 जजों की बेंच से जस्टिस यूयू ललित हट गए और केस से अलग हो गए, क्योंकि बाबरी केस में उन्होंने कल्याण सिंह की पैरवी की थी और 25 जनवरी को नई बेंच में। इस बीच इस दौरान मध्यस्था की कमेटी भी फेल हो गई। दरअसल 8 मार्च 2019 को
मध्यस्था पैनल बनाया गया और इसे 2 महीने में केस निपटाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 2 अगस्त को पैनल भंग हो गया। उसके बाद क्या हुई, उसके बाद रोज सुनवाई हुई और लगातार सुनवाई के बाद 40 दिन में 40 वर्किंग डेज में ये केस निपट गया, 40 दिनों में ये केस निपट गया। 6 अगस्त 2019 से रोज सुनवाई शुरू हुई तो 40 दिन में पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया। अब सवाल आता है कि बाबरी ढांचा गिरने का केस कब क्या हुआ। अब बता दूं 30 साल बाद सुनवाई हुई और सभी आरोपी बरी भी किए गए। आपको बता दूं 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी ढांचा 6 घंटे में गिरा दिया था, इसके बाद भाजपा और विहिप नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और लोगों को उकसाने के आरोप में केस दर्ज हुआ और FIR में लाल कृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शाघवी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर के नाम शामिल थे। इस घटना के 10 दिन बाद इसकी जांच करने के लिए जस्टिस MS लिब्राहन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। अब सवाल यह आता है कि कैसे बाबरी ढांचे के मामले में कोर्ट दर कोर्ट रुख बदलता है, इसको समझिए। दरअसल 1993 में इस मामले से जुड़े सभी केस की सुनवाई लखनऊ स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई। फिर 1996 में कोर्ट ने CBI से कहा कि केस में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी जाए। लंबे समय तक बहस यही उलझी रही कि केस के बीच में ये धारा जोड़ सकते हैं या नहीं, क्या ये आपराधिक धारा है। आपको बता दो उसके बाद 2003 में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की और इसमें साजिश की धारा नहीं जोड़ी, न सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की लेकिन कोई साजिश की धारा नहीं जोड़ पाई। ऐसे में सुनवाई कर रही अदालत ने लाल कृष्ण अडवाणी को बरी कर दिया और 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया और मामले की फिर सुनवाई शुरू हुई और 2007 में पहली बार गवाही हुई। साजिश के आरोप लगते रहे, साजिश के कई आरोप लगे, CBI कुछ साबित नहीं कर पाई। 2009 में जब लिब्राहन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, बाबरी ढांचा गिराने को साजिश माना और जिम्मेदारों पर केस चलाने को कहा और दोनों मामलों की सुनवाई अलग अलग होने लगी। इन्हें एक करने की CBI की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दोनों मामलों को एक कर दिया, दोनों मामलों को, और 20 लोगों पर साजिश के आरोप लगाने को भी कहा। CBI कोर्ट ने 49 लोगों की आरोपी बनाया, 49 लोगों को उसमें आरोपी बनाया, इसमें से 17 की मौत हो चुकी थी। CBI कोर्ट ने फिर 30 अगस्त 2022 को फैसला सुनाया जिनमें लाल कृष्ण अडवाणी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया इस बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को तोड़फोड़ के मामले में। अब आपको बता दूं इस मंदिर विवाद से बड़े चेहरे क्या क्या थे, जुड़े चेहरे जो आपको बता दूं 1528 से 2024 यानी 496 साल बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। रामलला, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि राम मंदिर विवाद के इस लंबे इतिहास के हर कालखंड में कई नाम थे जो समय समय पर चर्चा में आए। ऐसे नाम जो इस विवाद के किसी ना किसी पहलू से जुड़े या सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार थे, वो नाम कौन थे, वो शख्सियत कौन थे जिनकी कड़ी तपस्या, मेहनत या संघर्ष के बाद ये 496 साल बाद अयोध्या में मंदिर बन रहा। ये बातें आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बता दूं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और आगे आपसे हम फिर मिलेंगे उसी खास लोगों के बारे में जिन्होंने 496 साल के इतिहास में से जुड़ा वो बड़े नाम जिसके बारे में लोग भूल गए हैं या आप नहीं जानते। जय श्री राम।